प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने देवघर में आज 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करना है। इस दौरान पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले 25 मई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री देवघर कोलकाता की पहली पैसेंजर फ्लाइट को हरी झंडी भी देंगे। देवघर एयरपोर्ट झारखंड में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में 2014 से पहले मात्र 74 एयरपोर्ट ही थे। वहीं बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अप्रैल 2022 तक भारत में एयरपोर्ट की संख्या 140 हो गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी देवघर एम्स के 250 बेड के अस्पताल और 2 ऑपरेशन थिएटर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर अस्पताल पूरी तरह तैयार हो चुका है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर देवघर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के देवघर दौरे से एक दिन पहले देवघर के लोगों ने दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोगों ने अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों पर दीपक जलाए। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देवघर दौरे के दौरान रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी झारखंड में दोपहर करीब 2:20 पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना के लिए भी रवाना होंगे। शाम 6 तक वो बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में समापन समारोह को संबोधित भी करेंगे।